नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑटोकैड के अंदर लिमिट सेट करना सीखेंगे। लिमिट सेट क्यों करते हैं पहले इसको समझ लें। हम सब जानते हैं कि ऑटोकैड के अंदर जो वर्क स्पेस होता है वो अनलिमिटेड होता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने इसको माउस के स्क्रॉल को करके काफ़ी सारा जूम आउट कर दिया है। इसे मैंने जूम आउट कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन कमांड ली मैंने, यहाँ पे क्लिक किया और 5 इंच की लाइन खींचता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मैंने 5 इंच की लाइन खींच के एंटर की, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बारीक है जो हम दिख भी नहीं रही है। ये देखिए ये 5 इंच की लाइन यहाँ पर आई है। अगर हम ये एरिया बना के सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए सिलेक्शन तो है लेकिन दिख बिल्कुल नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ऑटोकैड का एरिया तो काफ़ी विस्तृत है, उसकी तुलना में 5 इंच बहुत ही छोटा है, लगभग नगण्य है, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान ये कि हम जिस साइज में हमें डिजाइन बनानी है वैसे हम लिमिट सेट कर लें। जैसे मैं भी आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें यह वाली ड्राइंग बनानी है। अब इस ड्राइंग की क्या साइज आ रही है? इसकी हाइट आ रही है, इसकी हाइट आ रही है मैक्सिमम 6 इंच और इसकी विड्थ आ रही है मैक्सिमम 10 इंच। अब हमें यह ड्राइंग बनानी है, तो अभी हमने देखा था हमने 5 इंच की लाइन खींची लेकिन वो दिख ही नहीं रही थी। इसका क्या समाधान है? लिमिट सेट करना। अब हम लिमिट सेट करना सीखते हैं। तो ऑटोकैड में आए और यहाँ पर लिमिट की जो शॉर्टकट कमांड होती है वो LIM, तो यहाँ पे मैं LIM करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। चूंकि हम अपने डिज़ाइन को इस UCS को XY एक्सिस को मानते हैं और यह 0 0 होता है, तो हमें और यह हमेशा कॉर्नर में होता है और इसका मान 0 0 होता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 0 0 टाइप करना है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर है तो हमें 0 0 टाइप करना है, 0,0, एंटर करेंगे। फिर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, तो हमारी जो ड्राइंग है उसकी हाइट है 6 इंच, तो इसको हम इससे थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, 6 इंच की जगह 10 इंच ऊंचाई ले लेते हैं और चौड़ाई हमारे पास हमें 10 इंच की बनानी है, तो हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के 15 इंच ले लेते हैं, यानी हम 15 इंच बाय 10 इंच का लिमिट सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और अपर राइट कॉर्नर में 15 इंच,10 इंच, एंटर। अब जब भी हम लिमिट सेट करते हैं तो हमें दो कमांड का और यूज़ करना पड़ता है, जूम कमांड। जूम की शॉर्टकट है जेड, एंटर, और इसकी सब कमांड ए, तो ए, एंटर। अब हमारा जो ये एरिया आ गया, अब यहाँ पर हम अगर ड्राइंग बनाते हैं, देखिए अब मैं लाइन कमांड लेता हूँ, लाइन कमांड ली। अब यहाँ पे जो हमें डिज़ाइन बनानी थी वो 10 इंच की थी, तो यहाँ से मैं 10 इंच की लाइन खींचता हूँ। ये देखिए एक्यूरेट दिख रही है, यहाँ से 4 इंच, 5 इंच, 5 इंच और 6 इंच। अब ऊपर 4 इंच, एंटर, इधर 5 इंच किया, एंटर, ऊपर 2 इंच, एंटर, यहाँ पे 5 इंच, एंटर, और नीचे आके 6 इंच, एंटर। ये देखिए हमारी कमांड, हमारा वर्किंग एरिया बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। ये देखिए हमारी डिज़ाइन उसी साइज के अंदर बन गई और हमें सर्च भी नहीं करना पड़ा। इसी लिमिट को सेट करने का एक तरीका और है। देखिए इसको मैं सिलेक्ट डाल करके डिलीट करता हूँ। मान लीजिए ये जूम आउट है और मुझे कोई ड्राइंग बनानी है। चलिए हम एक उदाहरण और लेते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं। हमें यही ड्राइंग बनानी है, इसकी मैक्सिमम हाइट 6 इंच है और विड्थ है 10 इंच, तो हम 10 इंच बाय 15 इंच का एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया, सिलेक्ट किया, 15 इंच, टैब, 10 इंच, एंटर, ये बॉक्स यहाँ पे बना। इसको हम जूम कर लेते हैं। अब हमें जो डिज़ाइन बनानी, हम चाहते हैं कि इसके अंदर ही बनाएं और ये ऐसा हमारे सामने जूम रहे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे, LIM, एंटर, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर पे क्लिक करा, एंटर कर दिया। अब हमने देखा लिमिट के बाद हमें दो कमांड और यूज़ करनी पड़ती है, जेड, एंटर, ए, एंटर, तो ये हमारा रेक्टेंगल पूरा आ गया। अब यहाँ पे आप वही ड्राइंग करना चाहें। ये लाइन कमांड ली हमने, ऑर्थो मोड ऑन कर रखा है, अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। लाइन कमांड ली, क्लिक किया, 10 इंच, एंटर, 4 इंच, एंटर, 5 इंच, एंटर, 2 इंच, एंटर, 5 इंच, एंटर, 6 इंच, एंटर। ये देखिए अब डायमेंशन से अगर हम नापें इसको तो ये देखिए डायमेंशंस बनाना भी हम सीखेंगे आगे चल के। फिलहाल मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। ये देखिए हमें ये ड्राइंग बनानी थी
और हमने एक रेक्टेंगल बना के लिमिट फिक्स कर दी, तो हमारी ड्राइंग उसके अंदर आ गई, ये पूरे टाइम जूम भी रही स्क्रीन। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।